मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी पश्चिम रेल्वेने अर्बन पॉड नावाची सिस्टम सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकामध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकतो कशा पद्धतीने इथे सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशाला अतिशय स्वस्त दरात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा रेल्वेचा मानस आहे. या ठिकाणी आपण बघतोय म्हणजे राहण्याची व्यवस्था फक्त येथे असेल, गादी उशी आणि याचबरोबर मनोरंजनासाठी ही सुविधा टीव्ही सारखे माध्यम उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आपण या ठिकाणी बघतोय कशा प्रकारे एक आरसा या ठिकाणी आहे, त्याचबरोबर टीव्ही देण्यात आलेला आहे, रिमोट सिस्टम असणार आहे, त्याबरोबर इयरफोन आधी मिरर लाईट स्विच स्लीप स्विच देखील या ठिकाणी असेल. याचबरोबर इयर जे अलाउन्समेंट आहे त्याचीही सिस्टम इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. प्रवाशांना ज्या प्रवासी या ठिकाणी राहण्यासाठी येणार आहेत त्यांच्यासाठी अगदी येथील वातावरण मनोरंजक कसं असेल अशा ठिकाणी वातावरण तयार करण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. आपण रेल्वेचे या पॉड सिस्टमचे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आपण बोलू शकतो की त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया नक्की ही सिस्टम काय आहे, कशा पद्धतीने ही सिस्टम त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे, याच्या मागचा मानस काय होता आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर आपलं नाव काय आणि ही सिस्टम तयार करण्याचा उद्देश? मेरा नाम अजय पंडित है आणि मैं इधर का जनरल मैनेजर हूँ अर्बन पॉड का होटल का. यहाँ पे टोटल पॉड जो अपने पास है टोटल 48 पॉड्स है जिसमें से 30 क्लासिक पॉड है एंड देन उसके बाद फिर 7 एक्सक्लूसिव लेडीज पॉड है जो सिंगल लेडी ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए. उसके बाद फिर हमारे पास 10 प्राइवेट पॉड है जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये प्राइवेट पॉड है. और फिर उसके बाद एक हमने डिसेबल फ्रेंडली के लिए बनाया हुआ है पॉड. यहाँ जो पब्लिक आने वाला है उनको मतलब चार्जेस कैसे है और उनसे मतलब कितना घंटे का चार्जेस लगाते हैं? सो बेसिकली जो चार्जेस हमारा चालू होता है वो 999 से चालू होता है और वो 2999 तक जाता है. तो अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग हमने चार्जेस रखे हैं. तो बेसिकली हम 2 12 आवर्स है और 24 आवर्स है, तो ये 2 फैसिलिटी में 2 स्लॉट्स में बुकिंग कर सकते हो. सर यहाँ पे अभी तक कितने पैसेंजर आए हैं जिन्होंने जब से चालू हुआ है तब से और उसका रिस्पांस कैसे रहा? अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20-25 कस्टमर्स अभी तक आ चुके हैं जब से हमने चालू किया है और हर किसी का फीडबैक अच्छा ही था. जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनको अंदर हर एक चीज देखने में लगा है प्लस फील करने में लगा है, चाहे वो पॉड हो या फिर बाहर का एम्बियंस हो या फिर स्टाफ हो जो यहाँ काम करने वाले. ओवरऑल काफी अच्छा फीडबैक था सबका. सर कैसे अभी जो पैसेंजर आते हैं सबका ऐसा कहना रहता है कि जो बाहर के जो होटल्स रहते हैं उसमें जो खाने की सिस्टम रहती है बहुत महंगा ये होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे खाने की सुविधा वगैरह है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रहने के लिए सुविधा, खाने का यहाँ पे अंदर कुछ नहीं, ऑप्शंस नहीं है. क्योंकि ऑलरेडी IRCTC के अगर आप नीचे देखो स्टेशन पे तो काफी सारे उनके फूड स्टॉल्स है, काफी कैंटीन्स है जहाँ पे 24/7 वो अवेलेबल है उनके लिए. तो यहाँ पे और प्लस सेकंड चीज अंदर फूड भी अलाउड नहीं, फुटवेयर्स अलाउड नहीं है. खाने का हमने इसलिए अलाउड नहीं रखा है क्योंकि खाने की वजह से फिर क्या होता है आपका स्मेल होता है, पेस्ट्स होते हैं, तो वो सबका भी इश्यूज आने चालू होते हैं. तो इसके लिए हमने वो चीज अंदर नहीं रखा है. अब तक कितने पैसेंजर यहाँ पे आए मतलब जब से ये चालू हुआ है? अभी तक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20-25 पैसेंजर्स अभी तक आ चुके हैं प्लस आगे के भी बुकिंग्स आए हुए हैं. आगे की कितनी बुकिंग है इतनी तक? आगे का बेसिकली जो भी हम जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें यूजुअली कस्टमर्स क्या करते हैं 2 या 3 दिन पहले बुक करते हैं. तो आगे के भी हमारे पास नियर अबाउट अभी तक 10-15 बुकिंग्स हैं. सर ये जो बुकिंग सिस्टम है ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कैसे है इसमें? तो ये बुकिंग के लिए बेसिकली IRCTC के वेबसाइट से बुक करना है जहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिटायरिंग रूम का. आप जब रिटायरिंग रूम में क्लिक करते हो अंदर तो उसमें आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, पॉड का प्लस रिटायरिंग रूम का. तो उसमें आपको पॉड सेलेक्ट करना है. उसके लिए आपके पास PNR नंबर होना मैंडेटरी है या तो फिर आपके पास अगर लोकल ट्रेन का टिकट है तो आप उससे भी काउंटर पे आके बुकिंग कर सकते हो. लेकिन ऐसे भी कोई पैसेंजर आते हैं जिनके पास मतलब टिकट नहीं है और मतलब टिकट निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आके मतलब जो बस से ट्रैवल्स करते हैं या एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं उनको भी यहाँ से जाना पड़ता है, तभी वो ऐसे जो पैसेंजर आएंगे उसके लिए क्या सिस्टम है? उसके लिए ही ये ऑप्शन है जहाँ पे आपको
लोकल ट्रेन का टिकट होना मैंडेटरी है, क्योंकि लोकल ट्रेन में जो टिकट्स होते हैं उस पर आपका यूटीएस नंबर जनरेट होता है, तो बिना यूटीएस नंबर के वो बुकिंग पंच नहीं हो पाएगा सिस्टम में। सेकंड चीज, क्योंकि ये स्टेशन के बाउंड्री के पेरिफेरी में, स्टेशन के अंदर है, तो वैसे भी अगर आप बिना टिकट के तो स्टेशन में एंट्री नहीं कर सकते। अभी जो ये बात है, मतलब पहली बार ही मुंबई सेंटर में ये पॉड बने गए, ऐसा रेलवे का किधर बनाने का मानस क्या? नहीं, उसका अभी तक मेरे पास फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है, बट ये हमने फर्स्ट जो है ये पायलट प्रोजेक्ट है। ऑफकोर्स ये जब हमारा जैसे ही जो रिस्पांस आएंगे कस्टमर्स के, जैसे ही जो सक्सेस रेट बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से फिर रेलवे IRCTC आगे डिसाइड करेगा कितने स्टेशन और ओपन करने। ये सिस्टम ऐसे बनाया है रेलवे ने, जहाँ जो बाहर से पब्लिक आते हैं, मतलब जिसके पास रेलवे का टिकट होना चाहिए उनको ही पॉड अलाउट कर देंगे, ऐसा रेलवे का कहना है। मेरा नाम मुक्सर टन्ना है, मैं द्वारका से आया हूँ, गुजरात से। ओके, यहाँ पे जो सुविधा है ये देख के आपको कैसे लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अकेले लोग होते हैं जैसे घूमने आते हैं, तो ऐसे फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती। यहाँ पे पूरी सेफ्टी है और सब कुछ है और बहुत अच्छा है। अभी इधर आए, नजदीक है, तो कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी सेफ्टी है उतनी कहाँ पे नहीं मिलती ना, क्योंकि बॉम्बे में अकेले आना तो बहुत रिस्की होता है, इसलिए। अच्छा, आप पहली बार बॉम्बे में आए हो या पहले? हाँ। इसके भी पहले आए थे? दूसरी बार आए। अच्छा, और पहले आप बाहर रहते थे, अभी आप यहाँ पे रहता हूँ। ओके, बाहर से इसका कंपेयरिंग करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ पे जो फैसिलिटी है उससे कंपेयर बाहर तो ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि अकेले होते हैं तो वो लोग ध्यान भी नहीं देते और ऐसा होता है। यहाँ पे तो पूरी कम्प्लीटली, मैं रात को आया था, उन लोगों ने ये डोर खोल दिया, सब कुछ समझा के बाद में वो लोग गए, जो चाहिए वो मिल जाता है, नीचे जाओ तो। कैमरामैन अनिल, मैं काशीनाथ मारे, ETV भारत, मुंबई।